नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ये जो गैस होता है, जो टॉक्सिक गैस होता है उसके बारे में। उसका TLV क्या होता है, STEL क्या होता है, IDLS क्या होता है, क्योंकि ये जो जहाँ जनरली जो गैस होता है प्लांट में, ये सभी गैस पाए जाते हैं। उस स्थिति में अगर हमको काम करना है तो TLV कितना रहेगा, STEL कितना रहेगा, तो हम उसमें काम कर सकते हैं, कितना देर तक काम कर सकते हैं, उस सब के बारे में। जैसे H2S गैस है, CO गैस है, SO2 है, NH3 है, Cl2 है, ये सभी काफ़ी टॉक्सिक गैस हैं, काफ़ी जहरीले गैस हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, इसी के ऊपर जानेंगे कि इसका TLV क्या होता है, कितना रहता है, STL कितना रहता है और IDLS क्या है। ये ज़रूरी है, जो भी आदमी प्लांट में काम करता है उसको इसके बारे में जानना चाहिए और थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये TLV, STL और IDLS क्या होता है, और ये कितना रहेगा तो हम वर्क कर सकते हैं और कितना रहेगा तो वर्क नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, H2S गैस है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोला जाता है। तो H2S गैस है वो काफ़ी ख़तरनाक गैस है। इसमें जो भी गैस है वो सभी खतरनाक है, सभी जहरीले गैस है, लेकिन H2S गैस है उसका जो TLV होता है वो 1 PPM है। ये जो इस लाइन में जो भी दिया हुआ है ये रहेगा तो क्या करेंगे, 8 घंटे तक थोड़ा ब्रेक ले लेकर के काम कर सकते हैं। ये H2S का है, CO है, SO2 है। CO, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया गैस और Cl2 क्लोरीन गैस, ये सभी काफ़ी टॉक्सिक गैस हैं, जहरीले गैस हैं। तो अगर TLV, ये सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। TLV का फुल फॉर्म होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, और ये STL का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, और IDLS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ये क्या है, TLV जो होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू जो होता है वो, ये अगर ये लिमिट में अगर है तो वहाँ पे काम कर सकते हैं 8 घंटे तक, बीच में ब्रेक ले ला करके, जैसे 10 मिनट काम कर सकते हैं, थोड़ा देर फिर ब्रेक लेंगे और फिर काम करेंगे, इस तरह करके 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। जैसे H2S है 1 PPM है तो वहाँ काम कर सकते हैं 8 घंटे तक, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है 1 PPM रहेगा तो, लेकिन इससे बढ़ेगा तो नुकसान करेगा और उस समय जो काम करने का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। उसी तरह CO के लिए 25 PPM है, SO2 के लिए 0 PPM है। SO2 अगर 0 है तो ही काम करेंगे, अगर 0 से 1 भी होता है तो काम नहीं करना है। NH3 अमोनिया के लिए 25 PPM है TLV, अगर इसका जो TLV है वो 25 PPM है तो अमोनिया अगर है तो वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 25 से ज़्यादा होता है तो काम ही नहीं करना है वहाँ पे। उसके बाद ये है 0.5 PPM है, मतलब 25 से ज़्यादा होता है तो उसका लिमिट कम हो जाएगा। जैसे 25 के बाद से बढ़ता है और 35 तक रहता है तो उसमें 15 मिनट काम करेंगे, कुछ रेस्ट लेंगे, फिर 15 मिनट काम करेंगे, कुछ रेस्ट लेंगे, इस तरह मतलब 15 मिनट काम कर सकते हैं। उसी तरह ये H2S के लिए STL जो है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट 5 PPM है, और CO के लिए 400 PPM है, और SO2 के लिए मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 0.25 PPM है, और ये NH3 अमोनिया के लिए 35 PPM है, और ये Cl2 क्लोरीन के लिए 1 PPM है। कि 1 PPM अगर रहेगा इस रेंज में जो भी रहेगा तो उसमें क्या करना है, 15 मिनट का काम करना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर 15 मिनट काम करना है, फिर रेस्ट लेना है, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा वर्क नहीं करना है, काम नहीं करना है, उस के एक्सपोजर में नहीं आना है। और IDLS रहेगा उस स्थिति में क्या है कि काम तो बिल्कुल ही नहीं करना है, और वहाँ ये क्या है, ये काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी डेंजरस होता है। इसका जो IDLS का जो पूरा नाम होता है वो इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, मतलब ये काफ़ी खतरनाक होता है। अगर इतना 100 PPM है तो वहाँ 2 से 3 मिनट में आदमी मर सकता है, ऐसा है। तो इस स्थिति में अगर आपके पास जो मॉनिटर है, गैस मॉनिटर है, गैस डिटेक्टर है, वो दिखलाता है तो वो साइरन बजाने लगता है। उस स्थिति में वहाँ रुकना ही नहीं है, काम बंद करके फटाफट असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है। तो ये सब H2S के लिए 100 PPM है, CO के लिए 1200 PPM है, SO2 के लिए 100 PPM है, NH3 अमोनिया के लिए 300 PPM है, और Cl2 क्लोरीन के लिए 10 PPM है। तो ये सब IDLH,
एसटीएल और टीएलबी क्या होता है, किस गैस का कितना आईडीएलएच है, कितना टीएलबी है, कितना एसटीएल है, उसके बारे में हम लोग अभी जाने हैं। और अभी ये जो एक इसमें जो यूज होता है एक एससीबीए स्कावा सेट बोलते हैं इसको, इमरजेंसी में यूज किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन भरा होता है और ये अगर इमरजेंसी होता है तो उस स्थिति में इसका यूज करके आदमी बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये देखिए स्कावा सेट है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, मतलब सेल्फ कंटेंट मतलब इसके अंदर खुद होता है, क्या होता है, ब्रीदिंग एयर होता है। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एयर या सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एयर अपरेटस, इसके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, इसको लगाने इसके अंदर एक छोटा सा ऑक्सीजन का बटला भी होता है और एक नॉब होता है, मास्क होता है, उसको लगाने के बाद और अगर गैस लीकेज हुआ है तो वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। ये थोड़ा देर के लिए यूज़ होता है और मतलब उतना ही देर के लिए यूज़ होता है कि जल्दी मतलब गैस ख़त्म होने से पहले वहाँ से आप निकल जाएं। तो यह एक तरह का इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए यूज होता है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।